Hello friends, welcome to my channel, it's Baby Life. Today I'll tell you one of the most important idiom jisko newspaper mein bahut use kiya jata hai, that is pin one's hope or faith on. Iska matlab kya hota hai, dekhte hain. Pehla matlab hota hai to hope very much that something or someone will help you to achieve what you want. मतलब किसी से इतनी उम्मीद या किसी चीज़ से इतनी उम्मीद लगा के रखना कि वो आपकी मदद करेंगे जो आप चाहते हैं उसको पाने में. दूसरा मतलब होता है टू हैव एक्सपेक्टेशंस दैट आर टाइड टू द सक्सेस और परफॉर्मेंस ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन और थिंग. मतलब किसी इंसान की या किसी चीज़ की परफॉर्मेंस या सक्सेस के ऊपर अपनी उम्मीदों को बांधना, दैट इज ऑल्सो पिन वंस होप ऑन. थर्ड मतलब होता है इसका समवन और समथिंग विल सक्सीड when everyone or everything else has failed. मतलब जिस चीज़ में हर कोई या हर कोई चीज़ फेल हो चुकी हो और तब कोई उसमें सफल होगा, ऐसी उम्मीद लगा के रखना, उस केस में हम क्या यूज़ करेंगे, pin one's hopes on या pin one's faith on. For examples, पहले एग्जाम्पल न्यूज़ में से है, ऑटो इंडस्ट्री स्लो डाउन. स्लो डाउन मीन्स काम में मंदी. मैन्युफैक्चरर्स पिन होप्स ऑन अ GST रेट कट फ्रॉम द गवर्नमेंट. मतलब मैन्युफैक्चरर्स गवर्नमेंट के ऊपर आस लगा के बैठे हैं कि वो GST रेट में कटौती करेगी. कैंसर पेशेंट्स आर पिनिंग देयर होप्स ऑन अ न्यू ड्रग. जो कैंसर के पेशेंट्स हैं वो जो नई ड्रग आई है उसके ऊपर आशा लगा के बैठे हैं, उम्मीद लगा के बैठे हैं कि वो उसे ठीक हो जाएंगे. ग्रैंड पेरेंट्स पिन देयर होप्स ऑन देयर ग्रैंडसन्स टू बी सक्सेसफुल. सपोज एक फैमिली में एक पिता के बच्चे हैं जो उनकी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो पाए, तो जो दादा है वो अपने पोतों से एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि वो जिंदगी में सक्सेसफुल होंगे. इसलिए यहाँ पे हमने यूज़ किया है ग्रैंड पेरेंट्स पिन देयर होप्स ऑन देयर ग्रैंडसन्स टू बी सक्सेसफुल. आई हैव पिन्ड ऑल माई होप्स ऑन माई सन्स ब्राइट फ्यूचर. मैंने अपनी सारी उम्मीदें अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य के ऊपर लगा रखी हैं. द कंपनी इज पिनिंग इट्स होप ऑन द न्यू प्रोजेक्ट. सपोज एक स्टार्टअप कंपनी है, उसका कुछ काम अच्छा नहीं चल रहा है और सडनली उसे एक अच्छा न्यू प्रोजेक्ट मिलता है जिस पे वो अपनी आशाएं लगा रखी है कि वो उससे सक्सेसफुल हो जाएगी. तो यहाँ पे इसलिए हमने यूज किया है द कंपनी इज पिनिंग इट्स होप ऑन द न्यू प्रोजेक्ट. People have pinned their hopes on the government that they will do something good for people of our nation. मतलब जनता ने सरकार के ऊपर उम्मीद लगा रखी है कि वो देश के लोगों के लिए कुछ अच्छा करेगी. Suppose 5 साल पहले कोई और सरकार थी, वो अच्छी नहीं थी, तो उन्होंने नई सरकार से ये उम्मीद लगाई है कि ये हमारे देश के लोगों के लिए कुछ अच्छा करेगी. Okay? I hope ये idiom आपको समझ में आया होगा, तो आप इसको अपनी लाइफ में यूज़ कर सकते हैं डेली सिचुएशंस में भी. थैंक यू फॉर वॉचिंग. अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड हैव अ गुड डे. साइनिंग ऑफ फॉर टुडे. बाय बाय.